ओम शांति जी, नमस्कार। मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे 30 तारीख के जन्म लोग कैसे थे। अगर आपका किसी भी महीना में अगर आपकी जन्म की तारीख 30 है तो वीडियो आपके लिए है। आपकी क्वालिटी, आपके स्वभाव कैसे होते हैं, ऐसे लोग 30 तारीख के जन्म लोग का व्यक्तित्व कैसा होता है, इनकी करियर या इनकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, ये जीवन में क्या करना चाहिए, इवन इनका एजुकेशन और इनका स्वभाव कैसा रहने वाला है और कौन सी करियर इनके लिए बेहतरीन रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, हमारे अगर चैनल में नए आए हैं या पहले से भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुँच जाए। ओम शांति। कदन की जिन व्यक्तियों का जन्म की तारीख अगर 30 तारीख को हुआ, महीना कोई सा हो, जनवरी से लेकर दिसंबर का, ऐसे लोग जो होते हैं इनका स्वामी जो होता है ना बृहस्पति होते हैं, यानी 3 नंबर जुपिटर ग्रह से रूल करता है, 3 नंबर का बृहस्पति ग्रह, जिसे हम देव ग्रह भी बोलते हैं। 2 ग्रह होते हैं, एक देव ग्रह भी होते हैं और एक दानव ग्रह भी होते हैं, दैत्य ग्रह। जो दैत्य ग्रह जो होते हैं वो शुक्राचार्य नंबर 6। 3 नंबर वाले यानी कि 30 तारीख को जन्म लोग, यानी कि ऐसे लोगों का अगर मूलांक की बात करें तो मूलांक 3 होता है। मूलांक तब निकालते हैं यानी इसको कैलकुलेट करते हैं, डेट को, या 3+0 इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। अब 3 नंबर का स्वामी जो होता है ना, इसका होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति करते क्या हैं, एक देवगुरु है, अच्छा ग्रह है, और ऐसा जो व्यक्ति होता है स्वभाव से या इनका जो काफ़ी साहसी होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहेगा, थोड़ा हिम्मत वाला रहते हैं, डरने वाला नहीं रहते थे, इनके अंदर इनके अंदर ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को बोलते नहीं, एक होता है समाना और एक होता है सहना, यानी बातों को अपने अंदर सहन शक्ति इनके अंदर रहती है, चीज़ों को एब्जॉर्व कर अगर रखने वाले होते हैं, ये 30 तारीख के जन्म लोग होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जनिक होते हैं कि विल पावर इनकी स्ट्रांग होती है, जिसे हम इच्छा शक्ति बोलते हैं, दृढ़ शक्ति भी बोलते हैं, क्योंकि विल पावर जब स्ट्रांग रहता है ना, ऐसे लोग जो होते हैं 30 तारीख के जन्म लोग जीवन में बहुत कुछ करते हैं, और ऐसे लोग कमिटमेंट वाले भी होते हैं। अगर किसी चीज़ का कमिटमेंट किया, यानी कोई बात को अगर ठान लिया इसे करना, तो पूरा करके रखते हैं और पूरा कोशिश करते हैं उस काम को कर ही ले, और कर भी लेते हैं, पीछे नहीं हटते। और ऐसे लोग 3 नंबर वाले थोड़ा मौज मस्ती जिसम को होते हैं, पीसफुल नेचर को होते हैं, शांत स्वभाव के, ज़्यादा गुस्सा झगड़ा वाला नहीं होते। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं ना, काम करने से पहले किसी बात को जो है ना, कोई भी अगर काम करेंगे ना तो जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, काम को पहले सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो फिर को काम को करेंगे, क्योंकि ऐसे करना भी नहीं चाहिए। ऐसे भी अगर और कोई नंबर वाले आप अगर हैं तो ऐसे भी बिना किसी चीज़ को सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, इनके जीवन में समस्याएं आ जाती है। दूसरा ऐसा लोग कहते हैं कि एक लाइफ में जाने एक रूटीन या डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि गुरु हैं, गुरु कभी भी गलत तरीके से चलने नहीं देंगे। और ऐसा व्यक्ति के अंदर नेचर भी गुरु है, लोग इनके साथ वाले लोग हो ना हो इन्हें गुरु भी कहते हैं, क्योंकि गुरु क्यों कहते हैं 30 तारीख के लोगों को, क्योंकि इनके अंदर लोगों का एक तो हेल्पफुल नेचर होता है, लोगों को अगर साथ में आपा स्टडी करते हैं, लोगों को फॉर्म भर देना, एजुकेशन कर देना, कहीं सपोर्ट कर देना, कोई व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब उस चीज़ों को बता देना। साथ ही साथ ऐसे लोग जो 3 नंबर वाले होते हैं, इन लोगों का इमेजिनेशन पावर अच्छा होता है, घर देखेंगे बहुत अच्छे से सजा के रखेंगे, डेकोरेशन करके रखेंगे। अब अगर 30 तारीख की जन्म लोग हो, मेल हो या फीमेल हो, ऐसे लोग चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत खाना भी बहुत अच्छे बनाते हैं, खास करके इनके अंदर क्वालिटी भी पाया जाता है। शिक्षा की अगर बात करें तो ऐसे लोगों को पढ़ाई जो है ना, अगर पढ़ाई की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग जो होते हैं जीवन में हायर एजुकेशन को प्राप्त करने का चांसेज मिलता, मौका मिलता, कोशिश भी करते हैं, जैसे वो एग्जाम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो ये करने के लिए रेडी रहते हैं। और ज़्यादातर ऐसे साइंस के बच्चे होते हैं, साइंस स्ट्रीम इनको, साइंस और कॉमर्स ये दो चीज़ ज़्यादा इनको आता है, अच्छा लगता है। और ऐसे लोग जो होते हैं कि वो UPSC का हो या BPSC का हो या पुलिस अधिकारी हो या IAS हो या कोई भी हो, इस तरह के एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, क्षेत्रों में करते हैं, और कहीं कहीं इन्हें सफलता भी मिलती है। अगर इनका पढ़ाई फोकस पर नहीं रहता है तो फिर चीज़ गड़बड़ है, और अगर फोकस पढ़ाई पे है तो जीवन में सफलता मिलना तय है। ऐसे लोग जो करियर जो होता है ना, महीने के 30 तारीख के जन्म लोग जो होते हैं, जिनका जन्म महीने के 30 तारीख होता है, ऐसे लोगों को जो बोलते हैं कि या तो पुलिस अधिकारी में या सेल्स में, सेल्स और मार्केटिंग का काम,
या सेल्समैन करता हूँ, या कहीं कहीं राइटर अच्छा बन सकते हैं, एक टीचर अच्छा बन सकते हैं, प्रोफेसर एक अच्छा बन सकते हैं, ऐसे लोग, और या तो फिर सेल्समैन का काम भी कर सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी किसी चीज़ का बिगिनिंग जो होता है ना बहुत अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं रहता, थोड़ा दिक्कत रहती है, बट जैसे ही अपग्रेड होते जाते हैं, यानी कि आफ्टर 30 या तो देखेंगे कि जैसे ही 30 साल पर होंगे तो इनकी चीज़ें लाइफ में छलांग और उछाल भी आती है, चीज़ें बहुत कुछ बदलाव आता है इनके जीवन में, वो इकोनॉमिकल हो, और जैसे जैसे एज होता है तो एक लेटर पार्ट ऑफ इनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होता है, अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना उम्र के साथ साथ जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है उम्र के साथ साथ ये लोग अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं, मजबूती लाते हैं, और जब इंसान के अंदर जब मजबूती आएगी तो फिर काम भी होगा, और मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं ना एक सोर्स से नहीं मल्टीपल सोर्सेज से चाहते कि मेरे पास पैसा हो, होता है ना अनेक क्षेत्रों से भी पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वन सोर्स से नहीं अलग क्षेत्रों से अलग स्रोतों से पैसा लाने का इच्छा होता है, और इनके अगर बट अच्छा होता है, और इनकी अगर बात करें रिलेशनशिप का तो ऐसे लोग प्रेम संबंध काफ़ी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता अगर प्रेम करते हैं तो, बाकी बात आपका मैरिड लाइफ अगर करते हैं अरेंज मैरिज जैसे भी आपकी शादियाँ अच्छा होती है, इनके मैरिड लाइफ अच्छा होता है, इनके दाम्पत्य जीवन जिसे बोलते हैं दाम्पत्य जीवन भी इनका मिला जुला के ठीक रहता है, बट रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत ज़्यादा समय नहीं टिक पाता, वह हट जाता है, और ऐसे लोग जो होते हैं अपने परिवार के मान सम्मान का भी बहुत चिंता रहता है, ख्याल करते हैं, इनके लिए हमारा फैमिली कैसे हो जाए, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करते हैं, सोच समझ बहुत ही ज़्यादा इनके मन में चलता है, और फिर ही काम को करते हैं। और फाइनली अगर इनका देखा जाए बृहस्पति का है, ऐसे लोगों का अगर आपका 3 नंबर या 30 तारीख को जन्म है और आपको लिए जो मैंने बताया और आपको मैच नहीं करता है तो आप क्या करें, विष्णु जी का एक मंत्र आता है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, आप मंत्र जो सुन रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, वैसे 108 टाइम तो मिनिमम करना ही है, आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खास करके थर्सडे को, दूसरा थर्सडे को दिन आपका जो दूसरा है कि आपका जो लकी नंबर है लकी कलर है उसको यूज करें, आपका अपना अनलकी कलर को यूज न करें। दूसरा देखें आपका नेम बैलेंस है नहीं बैलेंस है, अगर नेम आपका सही नहीं है तो जीवन में स्ट्रगल देगा, आप जो मोबाइल नंबर यूज करें आपके लिए सही है नहीं है, अगर नहीं है तो इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल आप चेंज करें, जीवन में देखिएगा बदलाव आपके कदमों पर है, और अगर जहाँ नहीं समझ में आया तो आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा निम होना चाहिए कितने बनना चाहिए, आप हमारे से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, किसी और से भी आप दिखा सकते हैं, अगर हमारे से लगता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है और नीचे जो दिए गए नंबर है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।